गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाते समय पुलिस ने 4 लोगों को दबोचा। जनपद लखीमपुर खीरी जिले की कोतवाली पसदवा क्षेत्र के गांव पतवन में प्राथमिक विद्यालय के पास चोरी की योजना बना रहे 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गश्त के दौरान घर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों के पास एसआई पुलिस ने एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 चाकू के साथ पकड़ लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदर्श कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की रात पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर निकलेगा। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि गांव पतवन में प्राथमिक विद्यालय के पीछे कुछ लोग चोरी करने की योजना बना रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो रात के अंधेरे में कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगे, जिस पर पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ तो उन्होंने अपना नाम संजय पुत्र बाबूराम वीरपाल पुत्र राधेश्याम निवासी ककराही व रिंकू पुत्र खुशीराम गणेश पुत्र शौकीन निवासी नयागांव जाट कोतवाली पसदवा लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि वह चोरी की योजना बना रहे था, इससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आदर्श कुमार सिंह, उप निरीक्षक गंगा सागर तिवारी, आरक्षी सत्य प्रकाश पटेल, वीर सिंह, आरक्षी दयाराम कनौजिया, रणजीत यादव शामिल रहे।